अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन वर्षावन। यह जंगल 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें अकेले 55 लाख वर्ग किलोमीटर में वर्षावन है। यह जंगल 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है। जंगल का अधिकांश भाग ब्राजील में पड़ता है। इसके बाद पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में ये वन फैले हुए हैं। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अमेजन जंगल को दो भागों में बांटती हुई निकलती नदी अमेजन के नाम से जानी जाती है। इसकी लंबाई 6437 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर लंबी मानी जाती है और इस नदी की चौड़ाई 140 किलोमीटर है। अमेजन जैव विविधता का केंद्र है और यहाँ जीव जंतुओं के बेशुमार किस्में पाई जाती है। आज की इस वीडियो में इस जंगल में रहने वाली तीन खतरनाक जीवों से परिचय करवाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नंबर 1, इलेक्ट्रिक ईल। आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाओगे, आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हो इसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम में ही इसका परिचय है। जी हाँ दोस्तों, ये मछली अपने शिकार को मार गिराने के लिए अपने शिकार को हाई वोल्टेज झटके देती है और अपने शिकार का काम तमाम करती है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2, ग्रीन एनाकोंडा। आपने एनाकोंडा वाली फिल्में तो जरूर देखा होगा। एनाकोंडा की लंबाई 25 प्लस फीट हो सकती है। अभी तक माप के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट का मिला है। एनाकोंडा को हत्यारा सांप भी कहा जाता है। धरती पर कुल मिलाकर 3 प्रकार के एनाकोंडा पाया जाता है। नंबर 1, ग्रीन एनाकोंडा जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। नंबर 2, येलो एनाकोंडा और नंबर 3, डार्क टी स्पॉटेड एनाकोंडा। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 3, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। आपने अभी तक जहरीला सांपों के बारे में सुना होगा। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं इसका नाम पॉइजन डार्ट फ्रॉग है, जैसे कि इसका नाम ही इसका परिचय है। इस मेंढक में इतना जहर होता है, इसका जहर एक बार में 10 लोगों की जीवन समाप्त कर सकता है। इसके जहर में इतनी शक्ति है, इसी कारण इसकी कीमत लाखों में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक फैक्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।